الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, फ़िक्र और नज़र के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और अब हम जिस मौज़ू को छेड़ना चाहते हैं वो बज़ाहिर बहुत मामूली नज़र आता है, लेकिन जब आप गहराई से गौर करेंगे तो इस उन्वान के अंदर छुपी हुई बड़े आदमों की बातें आपको नज़र आएंगी। हमने इस गुफ्तगू का उन्वान दिया है बड़े आदमी छोटे छोटे काम। जिन कामों को हम बहुत छोटा समझते हैं, मामूली समझते हैं, जिन पर हमारी निगाहें बहुत कम जाती हैं, जो हमारी निगाहों में कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं, जब वो मामूली काम किसी बड़े आदमी के ज़रिए उसके हाथों अंजाम पाते हैं तो उस बड़े आदमी की बड़ाई और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और इसके लिए मैं आपको हवाला दूंगा दुनिया के सबसे बड़े इंसान, सबसे मुकद्दस और सबसे पाकीज़ा इंसान सरवर अंबिया ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी हयात तय्यबा और उनकी ज़िंदगी से, जिनके बारे में कुरान मजीद का बड़ा ज़बरदस्त ऐलान है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाही उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी है, बाहर की ज़िंदगी, घर की ज़िंदगी, दोस्तों की ज़िंदगी, आपकी शुजाअत, आपकी हिकमत, आपकी फिरासत, वो तमाम चीज़ें जो आपके अंदर थीं और वो तमाम आमाल जो आपने अंजाम दिए और वो तमाम काम जो आपने अपनी मुबारक ज़िंदगी में करके दिखाए, वो सब उस उसवे हसना और अमली नमूने में शामिल हैं। मैं आपके बड़े बड़े कारनामों का ज़िक्र नहीं करूंगा, मैं इसका बयान नहीं करूंगा कि ग़ज़वे बदर में आपने क्या हिकमत इख्तियार की थी, उहद के मैदान में आपने क्या बहादुरी दिखाई थी, सुलह हुदैबिया में क्या आपने हिकमत का अंदाज़ इख्तियार किया था, आपने मदीने में किस तरह लोगों को आप शीर और शकर किया था, आपने मक्का मुकर्रमा में किस तरह लोगों के साथ अखलाक और मरव्वत का बर्ताव किया था। मैं ये भी बयान नहीं करूँगा कि फ़तह मक्का के मौके पर रहमतुल आलमीन ने किस तरह लोगों को माफ़ कर दिया था। ये सब आपकी ज़िंदगी के वो आला और रोशन पहलू हैं जिनसे सीरत की किताबें भरी हुई हैं। मैं सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी के उन गोशों को नुमाया करना चाहता हूँ जिन पर ज़रा निगाहें कम जाती हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के छोटे छोटे काम, यहाँ तक आता है कि आप अपने जूते खुद गांठ लेते थे, अपने कपड़े खुद सी लेते थे, अपने दस्ते मुबारक से अपने कपड़ों पर पैमन लगा लेते थे, घर में तशरीफ़ लाते थे तो ख़वातीन के साथ कामों में हाथ बटाने के लिए तैयार हो जाते थे, लाओ भाई हम भी ये काम कर दें, लाओ हम भी ये काम कर दें। ये घर के छोटे छोटे काम आप अपने घर में खुद अंजाम दिया करते थे, घर वालों को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते थे। वरना घर में आदमी आता है, लो भाई मेरा ये काम कर दो, लो मेरा ये काम करो, खादिमों से कहने, लो भाई तुम मेरा ये मरम्मत कर दो जूते की। आपके बहुत सारे खादिम थे, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद थे और दूसरे बहुत से सहाबा थे जो आपकी खिदमत में हाजिर रहते थे, मगर किसी से काम कराने के बजाय खुद अपने दस्ते मुबारक से वो काम अंजाम देना आप पसंद करते थे। यहाँ तक आपका मामूल था कि अगर अपने साथियों के साथ कहीं काम में जाते थे, बाहर जाते थे, सफ़र में जाते थे और अलग अलग काम मुतय्यन कर दिए, लो भाई तुम लकड़ी ला रहे हो, लो भाई तुम आग जला रहे हो, लो तुम खाना पका रहे हो, मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ लोगों के सपोर्ट कर दिए, तो आप ख़ुद भी उसमें हिस्सा लेते थे, लो भाई ये काम मैं करूँगा,
लोग कहते थे अशोल्ला आप तशरीफ रखिए हम हाजिर हैं, कि नहीं भाई मैं भी करूँगा। तो उन छोटे कामों को खुद अंजाम देता था ये बड़ा आदमी जो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे मुकद्दस इंसान था, और यही उसकी बड़ाई थी, यही उसकी अजमत थी। तारीख के अंदर ये बात मौजूद है कि जब मदीने तैयबा हिजरत फरमा कर तशरीफ ले गए और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर होने लगी, तो उसकी तामीर में सहाबा किराम के साथ खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ से नफीस हिस्सा लेते रहे, खुद भी मजदूरों की तरह काम किया है। उस रहमतुल आलमीन ने कि जिसके दर की दरबानी हजरत जिब्रील किया करते थे, खुद किया है। हदीस में आता है एक मरतबा आप ईंटें उठाए हुए ला रहे हैं और दाढ़ी तक आपकी ईंटें आ रही हैं, एक साहबी आगे बढ़ते हैं, अल्लाह मुझे दे दिए, फरमाया और भी ईंटें हैं तो वो ले लो। जरा अंदाज़ा लगाइए उस वे हसना का, क्या आप सिर्फ बैठे हुए हुक्म नहीं चला रहे हैं कि ये करो वो करो, खुद कर रहे हैं, खुद हिस्सा ले रहे हैं। तो सीरत के जो ये बड़े रोशन और बड़े ताबनाक पहलू हैं, ये हमारे लिए काबिल गौर हैं। और उसी का असर है कि अल्लाह के रसूल के ग़ुलामों ने और आपसे मोहब्बत करने वालों ने आपके इस तरीक़े को अपनाने में फ़ख्र महसूस किया है। हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया है कि एक मरतबा बैठे हुए थे, लोगों से मशवरा हो रहा था, उमूर ममलकत पर बातचीत चल रही थी, कि इतने में चराग की लौ ज़रा धीमी हो गई, चराग जल रहा था उसकी लौ ज़रा नीची हो गई। तो हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ ख़ुद उठे और उठकर चराग की लौ को ऊंचा किया और फिर आकर अपनी जगह बैठे, तो हाजरीन में से किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप हमें हुक्म दे देते, हमसे फरमा देते, इतने से काम के लिए आप खुद उठे। उस पर जो हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ ने जुमला इरशाद फरमाया है वो जुमला याद रखने के काबिल है। आपने फरमाया कि जब मैं उठकर गया, जब भी उमर अब्दुल अज़ीज़ था और जब आकर बैठा, जब भी उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ हूँ, यानी जाने में और आने में और इस काम के करने में मेरे अंदर क्या कमी हो गई, मेरी शान क्या फ़र्क आ गया। अगर मैंने खुद अपने हाथ से चराग को दुरुस्त कर दिया तो मेरी कौन सी शान घट गई, जब भी मैं यही था अब भी यही हूँ तो क्या हो गया। ज़रा आप इससे वो सोच वो फिक्र जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के अफराद को दी है और वो तालीम दी है और वो अमल की तहरीक दी है, उसका अंदाज़ा लगाइए कि ये छोटे छोटे काम आप कह सकते थे कि भाई ज़रा देखो ये चराग नीचा हो रहा है। बड़ाई इसी में है कि खुद आदमी वो काम करे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई माजूर होना अलग बात है या कोई अपनी सआदत समझ के खिदमत कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये तमन्ना रखना कि लोग हमारा काम करें, हम लोगों का काम ना करें या अपना काम ना करें, ये गलत सोच है। तो अल्लाह के नबी ने हमें ये तालीम भी दी और ये अमल भी करके दिखाया कि आदमी की बड़ाई इसमें नहीं है, आदमी की बड़ाई इसमें है कि छोटे छोटे काम अपने हाथ से अंजाम दे और किसी को खिदमत का मौका न दे। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बड़े बादशाहों में गुजरे हैं, मुग़ल सल्तनत के फ़तावा आलमगीरी के नाम से उन्होंने एक किताब भी मुरत्तब कराई उलमा के बोर्ड के ज़रिए। वो अक्सर अपने काम करने के लिए और अपनी रोज़ी कमाने के लिए और अपने गुजारे के लिए कुरान मजीद की किताबत किया करते थे, टोपियाँ बुना करते थे, उस मेहनत की कमाई से गुजारा किया करते थे, और उन्होंने कभी किसी अपने छोटे काम को छोटा नहीं समझा। उनका एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा हुआ है कि एक मरतबा औरंगज़ेब भेस बदल कर कंबल डाल के ऊपर घूम रहे थे ताकि देखें कि लोग किस हाल में हैं। रात का वक्त था, बरसात का ज़माना था, बारिश होने का इम्कान था। एक सड़क पर खड़े हुए थे कि इतने में एक गैर मुस्लिम साहब लाला जी आए और उन्होंने ये समझा कि ये कोई मज़दूर है, तो उन्होंने कहा कि तुम मज़दूरी करोगे। इन्होंने कहा औरंगज़ेब ने कि हाँ करूँगा, कि भाई काम यह है कि हमारी मिट्टी नीचे पड़ी उसे छत पर डालना है, क्योंकि बारिश होने का ख़तरा है, इसलिए अगर तुम जल्दी से जल्दी वो मिट्टी छत पर डाल दो तो हम तुम्हें मुँह मांगी उजरत देंगे। औरंगज़ेब ने कहा कि अच्छी बात है। उनके साथ गए, घर जाके
कपड़े उस तरह के करके और मिट्टी छत पे डालनी शुरू की और बड़ी जल्दी के साथ तेज़ी के साथ काम किया और बहुत जल्दी काम को पूरा करें। तो उस ज़माने में जबकि पैसा दो पैसा मजदूरी हुआ करती थी, उन लाला जी ने खुश होकर औरंगज़ेब को दो आने दिए। दो आने उस ज़माने में बड़ी कदर व कीमत रखते थे। वो दो आने लेकर औरंगज़ेब जब आए तो अपनी मेहनत की हलाल रोज़ी हासिल करके जो खुशी हो रही थी, सोचा कि इस हलाल कमाई को कहाँ खर्च करूँ। तो एक जगह समझ में आई कि मैं अपने उस्ताद मुल्ला जीवन को ये हदिये में दे दूँ। उन्होंने मुल्ला जीवन साहब को वो दो आने हदिये के तौर पर पेश कर दिए। मुल्ला जीवन बड़े जहीन आदमी थे, उन्होंने समझा कि आज बग़ैर किसी तकरीब के औरंगज़ेब ने ये पैसे दिए हैं, कोई बात तो होगी। उन्होंने मुल्ला जी ने वो दो आने के अरहर के बीज खरीद लिए और उनका एक मदरसा था, उसकी ज़मीन छुटी हुई थी, उसमें वो अरहर के बीज बो दिए। अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि वो खूब फले फूले, खूब फ़ायदा हुआ, खूब अरहर पैदा हुई, बड़ा नफ़ा हुआ। अगले साल फिर अरहर पैदा हुई, दो तीन साल इसी तरह खूब पैदावार होती रही। तो अफसर माल की ये रिपोर्ट आई कि मुल्ला जीवन साहब मालिया अदा नहीं कर रहे हैं, जो सरकारी टैक्स है ज़मीन पर और पैदावार पर वो नहीं दे रहे हैं। इंशाअल्लाह इस पर हम और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें इजाज़त दे दें, बस अभी गए और अभी आए। मोहतरम हाजरीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर हो गए हैं। छोटे छोटे कामों की बात चल रही है कि बड़े आदमी किस तरह बड़े बनते हैं। कोई बड़ा यूं ही नहीं बन जाता, ये छोटे काम भी इंसान को बड़ा बनाते हैं, ये छोटा नहीं बनाते। ये जो हमारी सोच है जो अल्लाह के नबी ने हमको दी है, ये फ़िक्र है जो आपकी दी हुई है और उम्मत ने इस पर अमल करके दिखाया है। मैंने उसके सिलसिले में आपको हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का वाक़या सुनाया है। अब ऐसा ही एक और नमूना आपको, जैसे हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ थे, सादा ज़िंदगी गुजारने वाले, अपने हाथ से अपने कामों को अंजाम देने वाले, ऐसा ही अगर मैं एक और वाक़या अपने मुल्क हिंदुस्तान के एक बादशाह का सुना दूँ तो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का भी और नसीहत का बाइस होगा। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बड़े बादशाहों में गुजरे हैं, मुग़ल सल्तनत के। फ़तह आलमगीरी के नाम से उन्होंने एक किताब भी मुरत्तब कराई उलमा के बोर्ड के ज़रिए। वो अक्सर अपने काम करने के लिए और अपनी रोज़ी कमाने के लिए और अपने गुजारे के लिए क़ुरान मजीद की किताबत किया करते थे, टोपियाँ बुना करते थे, उस मेहनत की कमाई से गुजारा किया करते थे। और उन्होंने कभी किसी अपने छोटे काम को छोटा नहीं समझा। उनका एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा हुआ है कि एक मरतबा औरंगज़ेब भेष बदल कर कंबल डाल के ऊपर घूम रहे थे ताकि देखें कि लोग किस हाल में हैं। रात का वक्त था, बरसात का ज़माना था, बारिश होने का इम्कान था। एक सड़क पर खड़े हुए थे कि इतने में एक गैर मुस्लिम साहब लाला जी आए और उन्होंने ये समझा कि ये कोई मज़दूर है। तो उन्होंने कहा कि तुम मज़दूरी करोगे? इन्होंने कहा, औरंगज़ेब ने, कि हाँ करूँगा। कि भाई काम ये है कि हमारी मिट्टी नीचे पड़ी है, उसे छत पे डालना है, क्योंकि बारिश होने का ख़तरा है। इसलिए अगर तुम जल्दी से जल्दी वो मिट्टी छत पे डाल दो तो हम तुम्हें मुँह मांगी उजरत देंगे। औरंगज़ेब ने कहा कि अच्छी बात है। उनके साथ गए घर जाके, कपड़े उस तरह के करके और मिट्टी छत पे डालनी शुरू की और बड़ी जल्दी के साथ तेज़ी के साथ काम किया और बहुत जल्दी काम को पूरा करें। तो उस ज़माने में जबकि पैसा दो पैसा मजदूरी हुआ करती थी, उन लाला जी ने खुश होकर औरंगज़ेब को दो आने दिए। दो आने उस ज़माने में बड़ी कदर व कीमत रखते थे। वो दो आने लेकर औरंगज़ेब जब आए तो अपनी मेहनत की हलाल रोज़ी हासिल करके जो खुशी हो रही थी, सोचा कि इस हलाल कमाई को कहाँ खर्च करूँ। तो एक जगह समझ में आई कि मैं अपने उस्ताद मुल्ला जीवन को ये हदिये में दे दूँ। उन्होंने मुल्ला जीवन साहब को वो दो आने हदिये के तौर पर पेश कर दिए। मुल्ला जीवन बड़े जहीन आदमी थे, उन्होंने समझा कि आज
बग़ैर किसी तकरीब के औरंगज़ेब ने ये पैसे दिए हैं, कोई कोई बात तो होगी। उन्होंने मुल्ला जी ने उस दो आने के अरहर के बीज खरीद लिए और उनका एक मदरसा था, उसकी ज़मीन छुटी हुई थी, उसमें वो अरहर के बीज बो दिए। अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि वो खूब फले फूले, खूब फ़ायदा हुआ, खूब अरहर पैदा हुई, बड़ा नफ़ा हुआ। अगले साल फिर अरहर पैदा हुई, दो तीन साल इसी तरह खूब पैदावार होती रही। तो अफसर माल की ये रिपोर्ट आई कि मुल्ला जीवन साहब मालिया अदा नहीं कर रहे हैं, जो सरकारी टैक्स है ज़मीन पर और पैदावार पर वो नहीं दे रहे हैं। चूँकि मामला बादशाह के उस्ताद का था, इसलिए अफसर मालिया ने वो फाइल औरंगज़ेब को बराह रास्त भेज दी। औरंगज़ेब ने उसका मुताला किया और बड़ी कशमकश में पड़ गया कि उस्ताद का मामला है, अदब और एहतराम भी है और इंतज़ाम का तकाजा भी है, क्या करूं। तो उसने पैगाम भेजा कि उस्ताद, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, या तो आप मुझे हाज़िरी की इजाज़त दें या आप तशरीफ़ ले आएँ। मुल्ला जीवन ने कहा कि नहीं, मैं ही आ जाता हूँ। वो तशरीफ़ ले आए, एक दो दिन गुजर गए, औरंगज़ेब की कुछ कहने की हिम्मत न हुई। मुल्ला जीवन समझ गए कि औरंगज़ेब कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पा रहे हैं। ज़हीन आदमी थे, बात की तह तक पहुँच गए। उन्होंने एक दिन बिठा के औरंगज़ेब से कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मेरी कोई शिकायत आई है, तुम कहना चाहते हो मगर कह नहीं पा रहे हो। औरंगज़ेब ने कहा कि जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है। मुल्ला जी ने कहा कि ये बताओ कि फ़ला तारीख को तुमने मुझे दो आने दिए थे, तुम्हारे पास वो दो आने कहाँ से आए थे। औरंगज़ेब ने बात को छुपाना चाहा, फरमाया कि नहीं बताओ। आखिर बता दिया कि मैंने इस तरह मजदूरी की थी और वो दो आने कमाए थे, वो मैंने आपको पेश कर दिए थे। फरमाया कि उससे मैंने अरहर के बीज खरीदे और वो मैंने मदरसे की ज़मीन में बोए, उससे बड़ा नफ़ा हुआ, बड़ी अच्छी पैदावार हुई। अब जो तुम्हारे पास मेरी शिकायत आई है मालिया न देने की, तो चूँकि मदरसे की ज़मीन वक्फ है और वक्फ के ऊपर टैक्स नहीं लगा करता, इसलिए मैंने टैक्स नहीं दिया। औरंगज़ेब ने कहा कि आप दुरुस्त फरमाते हैं। उसने फाइल पर लिख दिया कि चूँकि मदरसे की ज़मीन वक्फ है और वक्फ के ऊपर टैक्स नहीं लगा करता, तो इस वाक़े को मैंने मुख्तसर तौर पर पेश किया है ये बताने के लिए कि अपने वक्त का बादशाह भी अपने हाथ से काम करने में कोई आर महसूस नहीं करता। बड़ा आदमी वही है जो छोटे छोटे काम खुद करता है, इसी में उसकी बड़ाई है, यह उसकी अजमत का राज है। अगर हम लोग इस बात को समझ लें तो आप देखेंगे कि अपना काम करके जो खुशी हासिल होती है वो दूसरे से खिदमत लेके वो खुशी हासिल नहीं होती, बल्कि इंसान में एक तरह का कुछ फख्र और कुछ एहसास से बरतरी पैदा हो जाता है, खुद काम करने के अंदर आजदी पैदा होती है। अब मैं अपनी बात को बस समेटते हुए इस बात पर ख़त्म करूँगा कि जिस ज़माने में मैं तालीम हासिल किया करता था तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे एक सबक दिया। वो सबक ये था कि आम तौर पर हमारे मदरसों में अपने उस्ताद के जूते उठाना इज़्ज़त की बात समझी जाती है, लेकिन मेरे उस्ताद ये तालीम देते थे कि ये तरीक़ा अच्छा नहीं है, किसी से जूते उठवाना ये कोई सही बात नहीं है। वो इस बात को मना करते थे कि अपने जूते हम खुद उठाएंगे, तुम हमारे जूते मत उठाओ। तो अगर कोई उनके जूते उठा लेता था तो वो नाराज़ होते थे। मैं ज़रा उनसे अपने आप को करीब महसूस करता था। एक दिन मैंने बड़ी मोहब्बत में आकर और कहिए कुछ नाज में आकर उनके जूते उठा के उनके सामने रख दिए। खिलाफ मामूल वो मुझसे नाराज़ नहीं हुए, मुझे कुछ नहीं कहा। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज उस्ताद मोहतरम नाराज़ क्यों नहीं हुए। चंद दिन के बाद उन्होंने ये किया कि पता नहीं किस तरह उनको अंदाज़ा हो गया कि सबक में आते हुए दरसगाह में मेरे जूते कहाँ रखे हुए हैं। किस तरह उन्होंने ताड़ लिया मुझे नहीं मालूम कि जब सबक ख़त्म होकर हम लोग जाने लगे तो वो बड़ी बिजली की तेज़ी के साथ उठे और उठकर मेरे जूते उठाए और उठाकर मेरे सामने रख दिए और ये फरमाया कि आपने हमारे जूते उठाए थे, हम आपके जूते उठाएंगे। सारी उम्र के वास्ते कान पकड़ लिए, सबक मिल गया कि भाई उस्ताद से जूते उठवा दिए,
इस वास्ते कभी उनके जूते नहीं उठाने हैं। कोई उनके सामने उनकी तारीफ करता था बहुत नाराज़ होते थे कि मेरी तारीफ मेरे मुंह पे मत करो, अपनी तारीफ सुनना उनको गवारा नहीं था। इंकिसारी और आजदी का पैकर थे वो, उनसे हमने तालीम हासिल की, उनकी तरबियत में रहे, तो थोड़ा बहुत कुछ शायद कुछ थोड़ा बहुत असर आ गया हो, और अल्लाह करे कि ज़्यादा आ जाए। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ फिर वही है कि अपना काम खुद करना और किसी काम को छोटा न समझना। मेरे दादा बाज़ार से सामान खुद लाया करते थे, अपने कंधे पे लाद के लाते थे, बेवाओं का सामान लाते थे, उनकी खिदमत करते थे महल्ले की बेवाओं की, कि उनके पास कोई लाने वाला नहीं होता था। और इतने बड़े मुफ्ती थे, दारुलूम के सबसे पहले मुफ्ती हुए हैं, अपने इल्म के अतबार से बड़े ऊंचे समझे जाते हैं आज भी। अमल उनका ये था कि बेवाओं की खिदमत करके खुश होते थे, उनका सामान खुद लेकर आते थे। तो दरअसल हर के खिदमत कर्द वो मखदूम शुद, जिसने खिदमत की वही मखदूम बनता है, छोटे काम करने वाला ही बड़ा बनता है। तो हमारी जो गुफ्तगू है उस गुफ्तगू का हासिल और निचोड़ और ख़ुलासा यही है कि हम छोटे काम को छोटा न समझें। बड़ाई उसी को मिलती है जो छोटा बन के दिखाता है। हमारी ज़िंदगी में झूठा फ़ख्र, झूठा किब्र, इसने ज़िंदगी को हमारी बनावटी बना दिया है। आइए असली और हकीकी ज़िंदगी की तरफ आएं, सच्ची ज़िंदगी गुजारें, सादा ज़िंदगी गुजारें। परवरदिगार हमें अपने कर्म से तौफीक अता फरमाए और हमारी इन बातों पर अमल को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।